नियोजित शिक्षक कल से ही काफी खुश हैं, लेकिन ये खबर को आप जानने के बाद मुझे लगता है कि आप शायद नाखुश हो जाए, क्योंकि जिस भ्रम में कल से नियोजित शिक्षक हैं कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर बिहार सरकार के द्वारा जो गजट जारी किया गया है, अगर उस गजट के खंड 3 में पढ़े तो आपका ये जो भ्रम है मिनट में ही खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपक राजसुमन है और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी हाँ, नियोजित शिक्षक कल से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। बिहार सरकार के कैबिनेट की एक बैठक हुई और बैठक में नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने वाली जो नियमावली थी उसको मंजूरी दे दी गई है। तमाम अखबारों में, तमाम टीवी चैनलों में आपने ये खबर सुन लिया होगा। तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे और बाकी इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपने देख लिया, नियोजित शिक्षकों को मिला बड़ा तोहफा। लेकिन तोहफा नहीं है, नियोजित शिक्षक तभी राज्यकर्मी कहलाएंगे जब वो परीक्षा से पास होंगे। ये नियमावली में तीसरे नंबर पॉइंट पे कह दिया गया है इस पॉइंट पे। तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, राज्यकर्मी का दर्जा तब तक नहीं मिला, हालांकि नियमावली को मंजूरी दी है सरकार ने। अपने गजट में कहा है कि जो नियोजित शिक्षक है, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, उन्हें 3 मौके दिए जाएंगे, 3 मौके में उन्हें परीक्षा पास करना है। अगर तीनों मौके में वो चूक गए या फिर वो परीक्षा नहीं देते हैं तो उनके लिए सरकार एक कमिटी यानी समिति की गठन करेगी। वो समिति रिकमेंडेशन करेगी कि उन शिक्षकों को लेकर क्या फैसला लिया जाना है, क्या कुछ किया जाना चाहिए, उन शिक्षकों को क्या आगे भविष्य में क्या सरकार की तरफ से दिया जाएगा, क्या हटाया जाएगा, उनकी सैलरी स्लैब क्या होगी, इन तमाम चीजों को लेकर वो समिति अनुशंसा करेगी। तो आप सतर्क हो जाइए, एक बार पहले सरकार की तरफ से जो ये जारी किया गया है गजट, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। हाँ, मंजूरी मिली है, नियमावली को मंजूरी मिली है और तीसरे नंबर पे ये कह दिया गया है कि आप तभी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे जब परीक्षा पास करेंगे और जिस दिन से आप विद्यालय में अपना योगदान देना शुरू करेंगे। तो आप सतर्क रहिए और परीक्षा के लिए अभी से तैयार हो जाइए। अगर राज्यकर्मी बनना है, शिक्षक के समान वेतमान को लेना है, तमाम सरकार राज्य सरकार की तरफ जो सुविधाएं मिलती है शिक्षकों को, अगर वो चाहिए तो तैयार हो जाइए, अभी से परीक्षा की तैयारी कर दीजिए। इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। तो वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो इस चीज को मान चुके हैं कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया। नमस्कार।